अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि लाइक आप लोग अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं अपने जो लाइव सेशन करूँ वो मैं किस टॉपिक पर करूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्टें आई हैं वो आई हैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आज हम कोई 10 से 15 मिनट की डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट की जाती है, कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं, देन आप फिर एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे पैसे बना सकते हैं या पैसे बनाने की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है चूज योर निश, यानी कि आपने कोई एक कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि आप अगर किसी के साथ एफिलिएट हो वो किस कैटेगरी में एफिलिएट हो। अच्छा, कैटेगरी को मैं थोड़ा सा मज़ीद डिफाइन कर देता हूँ। कैटेगरी से मुराद ये है कि लाइक आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करनी है। आप फर्नीचर के अंदर जाना चाहते हैं, फर्नीचर के अंदर लाइक ये टेबल हो गया, टेबल चेयर और आपका अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, इस टाइप के जितने भी फर्नीचर हैं, ठीक है, ये फर्नीचर की कैटेगरी में आए थे ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली अगर आप वेडिंग फर्नीचर या बड़े फर्नीचर इसकी अगर हम बात कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट $1,000 से ऊपर जाती है तो उसमें ऑफ कोर्स आपका कमीशन भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, अगर कोई स्टोर आपको 10% कमीशन ऑफर कर रहा है और उसका जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो है $1,000, तो अगर एक फर्नीचर आपके थ्रू, आपके लिंक के थ्रू, आपकी वेबसाइट के थ्रू सेल हो जाता है तो उस पर आपको कमीशन मिल जाएगा सीधा $100 का। अगर हम इनटू पीकेआर में करते हैं तो डॉलर अभी चल रहा है 160 समथिंग कुछ का डॉलर चल रहा है, तो यानी कि आपके 16,000 रुपये एक प्रोडक्ट आपने सेल करी, आपके 16,000 आपका कमीशन मिल गया। मंथ में अगर आप कोई एक फर्नीचर सेट भी आप सेल कर देते हैं तो आपका जो कमीशन बन जाता है वो 16,000 का आपका कमीशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या क्या काम रिक्वायर्ड होगा, किस किस तरीके से रिक्वायर्ड होगा, ये हम पहले सेशन में हम देख चुके हैं किन किन स्टेप्स हमने गुजरना है। आज हम मजीद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी आपका फर्नीचर का, फर्नीचर की कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसी तरीके से आप मंथ में आप 2 फर्नीचर सेल आउट करवा दें, 3 सेल करवा दें, 4 या 5 फर्नीचर आप सेल कर दें, जितने ज्यादा आप फर्नीचर सेल आउट करवाने लगेंगे आपका कमीशन रेट भी उतना ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसके लिए शर्त ये कि आपके पास एक अदद वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, और उस वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक होना चाहिए। हम आते हैं इस तरफ भी, ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, फर्नीचर की एग्जांपल दी है। इसी तरीके से आप शूज की कैटेगरी उठा सकते हैं। शूज ऐसी प्रोडक्ट है लाइक हम डेली रूटीन में अपने यूज कर रहे होते हैं, और एज कम्पेयर टू फर्नीचर शूज की जो सेल है वो सेल ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर आपका फिर कमीशन कम बनेगा। फर्नीचर की कैटेगरी में अगर एक फर्नीचर सेट सेल करने पे आपका कमीशन बनता है 16,000 रुपए, तो हो सकता है शूज अगर आप सेल करें तो उस पर आपका कमीशन बने कोई 1,000 रुपीज, यानी कि $10 रख लें आप, $10, $7, $8 समथिंग कुछ आपका इतना कमीशन बने शूज की कैटेगरी की मैं बात करूँ। वो फिर डिपेंड करता है कि जिस स्टोर के साथ आप एफिलिएट हैं वो स्टोर आपको कितना कमीशन पे कर रहा है, वो स्टोर जितना ज्यादा कमीशन पे करेगा और शूज का जितना प्राइस होगा उस हिसाब से आप फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना इसके अंदर कमीशन बनेगा। आप हेल्थ के प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि लाइक बुक्स वगैरह जो होती हैं, बुक्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। ठीक है, और अगर आप जाते हैं सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर्स लोग सब्सक्राइब करवाते हैं और रिन्यूअल होता है, ईयरली उसका रिन्यूअल होता है या मंथली उसका रिन्यूअल होता है। अब अगर कुछ स्टोर्स ऐसे हैं या कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो जब जब वो रिन्यू होगा तब तब आपको कमीशन मिलेगा, तो समझ लें कि ये तो आपका एक पैसे बनाने की मशीन आपकी स्टार्ट हो गई है। एक बंदा अगर कोई एंटीवायरस बाय करता है, परचेस करता है, उसका लाइसेंस 1 साल बाद उसको रिन्यू करवाने लगता है। अब आपने एक प्रोडक्ट सेल कर दी तो फॉर एग्जांपल आपको $20 का कमीशन मिल गया। ठीक है, अब आप मजीद नई प्रोडक्ट सेल करते हुए आप आ रहे हैं, लेकिन वो जो पीछे आपने 10 क्लाइंट आपने बना दिए हैं, 1 साल बाद जब वो 10 के 10 क्लाइंट अपनी सॉफ्टवेयर को रिन्यू करेंगे तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे उतर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जितना पुराना आपका सिस्टम होता जाएगा आपके पैसे उतनी तेजी के साथ इंक्रीज होते रहेंगे, ईयरली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात कर ली हमने, कैटेगरी से रिलेटेड हमने बात कर ली। अब जब हम कैटेगरी उठा लेंगे, अगर मैं कोई भी एक कैटेगरी बताऊं तो हर कैटेगरी के अंदर सैकड़ों और हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं।
सबसे नंबर वन आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, नंबर टू आपने कैटेगरी के अंदर उसकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब लाइक अगर मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की, तो मेरे सामने एक डेल का लैपटॉप रखा हुआ है लैटिट्यूड E6400। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए लाइक करंट जो प्रोडक्ट चल रही है वो कौन सी हॉट प्रोडक्ट चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आपको ये पता होगा कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, यूजर किस प्रोडक्ट को ज्यादा लाइक कर रहा है, तो आप एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट पे आप काम करें, देन आपका सेल का जो चांस है वो मजीद बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग में है। जैसा कि आजकल कोरोना की वजह से जो भी मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है और डिफरेंट तरह की थर्मल इमेजिंग कैमरा है, इस तरह की डिफरेंट जो भी मशीन्स मार्केट में आ रही हैं, जो लोग इनके ऊपर काम कर रहे हैं उनके पास ये हॉट आइटम है और वो बड़ी तेजी से अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो आपने अच्छी प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करनी है, नंबर वन अच्छी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद फिर उस कैटेगरी की आपने प्रोडक्ट निकालनी है और प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम स्टार्ट करना है। अच्छा, काम कैसे स्टार्ट करना है इसके बता दूं आपको। जब आपने कैटेगरी निकाल ली, प्रोडक्ट्स आपने निकाल ली, इसके बाद फिर आपने एक अच्छी वेबसाइट आपने तैयार करनी है अपने इस एफिलिएट बिजनेस के लिए, ठीक है। और ये काम आप ब्लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉग पे इतनी मजेदारी नहीं आएगी, ब्लॉग पे इतना अच्छा बिजनेस जनरेट नहीं होगा जितना अच्छा बिजनेस आपको वेबसाइट के ऊपर जनरेट होगा। अब जब आपके पास वेबसाइट भी रेडी हो गई है आपकी, देन फिर आपने आ जाना है कॉन्टेंट राइटिंग की तरफ। आपने मैक्सिमम जो है ना वो आपने कंटेंट अपडेट करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कैटेगरी के ऊपर। यानी कि जैसे ये लैपटॉप है, तो अब एक लैपटॉप तो होगा नहीं मेरी वेबसाइट में, ऐसे 50 और लैपटॉप्स होंगे, तो मैंने इस लैपटॉप के बारे में भी कंटेंट अपडेट करना है अपनी वेबसाइट में भी, और इस जैसे जो पीछे 49 लैपटॉप्स हैं मेरे पास, उनसे रिलेटेड भी उनकी इंफॉर्मेशन, उनके रिव्यूज और उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स, ये सारी चीज़ें मैंने उठा उठा कर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट अपडेट करना है। याद रहे कि जो भी कंटेंट आप पब्लिश करेंगे, ये कंटेंट कहीं से भी डुप्लीकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक कंटेंट डुप्लीकेटेड होगा तो कंटेंट आपकी वेबसाइट को स्पैम कर देगा और ये वेबसाइट आपके पीछे चली जाएगी, सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी कंटेंट डुप्लीकेट होने की वजह से। कंटेंट हम क्यों डालते हैं? कंटेंट बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हम कंटेंट डालते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट हो। जितना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा उतना ज्यादा हमारी सेल्स का चांस बढ़ेगा। अच्छा, कंटेंट किस तरीके से ट्रैफिक जनरेट करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें SEO ट्रेनिंग इन कराची, SEO कोर्सेज इन कराची, तो वहां पर आपको कंप्यूटर वर्ल्ड की वेबसाइट मिलेगी। अब क्या हो रहा है कि एक यूजर आया, उसने सर्च किया SEO ट्रेनिंग इन कराची, उसको कंप्यूटर कॉलेजेट की वेबसाइट नजर आई और भी डिफरेंट वेबसाइट नजर आई, देन वो क्लिक कर देता है कंप्यूटर कॉलेजेट पे। अब जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो कहाँ से? सर्च इंजन से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। वेबसाइट मल्टीपल कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रही है, यूजर आता है उसको सर्च करता है, उसको वेबसाइट मिलती है, वेबसाइट पर क्लिक करता है, देन वो चले आता है कहाँ पर? वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो चले आता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमने कंटेंट डाला हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वहां से लीड जनरेट हो रही है, वहां से हमारा जो कंटेंट है वो गूगल की सर्चेज में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। अब ये जितना भी ज्यादा, जितना ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा उतना ज्यादा हमारा सेल का चांस बढ़ेगा। वो कहते हैं कि ना कि दिखता है तो बिकता है, तो जितना ज्यादा हमारी वेबसाइट दिखेगी लोगों को, जितनी ज्यादा हमारी वेबसाइट सर्चेज में आएगी, उतना ज्यादा हमारा चांस सेल का इंक्रीज होगा। देन फिर लेवल ये आता है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेशन पे चले जाता है। स्टार्टिंग की एफर्ट्स होती हैं 5-6 महीने की एफर्ट्स होती हैं, देन हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक हो जाती है। इसके बाद यूजर खुद सर्च करता है, खुद हमारी वेबसाइट पर आता है और हमारी वेबसाइट पर आकर वो ऑफिशियल स्टोर पर चले जाता है, जिसके साथ भी हम एफिलिएटेड होते हैं। वहां से फिर हमारे पास सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा काम होता है सिर्फ कॉन्टेंट लिखना और उसको वेबसाइट के ऊपर अपडेट करना। अब अगर कोई कहता है कि भाई मेरे पास कंटेंट राइटिंग की स्किल्स नहीं है, मुझे कंटेंट नहीं लिखना आता, तो कोई मसला नहीं है, आप एक कंटेंट राइटर हायर करें, आप उसको पैसे पे करें और पैसों के बदले आप उस स्किल्स खरीद लें, आप कंटेंट लिखवाएं और वेबसाइट में डालें, कंटेंट लिखवाएं वेबसाइट में डालें। लेकिन ऐसे ही कुछ भी कंटेंट नहीं लिखवाना, उसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो इंशाल्लाह मौका लगा तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम उसको कवर करेंगे कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है।
आपने फिर इसी तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह के कंटेंट्स पब्लिश करते रहना, और उस कंटेंट को आपने सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह बना लें, उन कंटेंट को आप पेजेस के ऊपर शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी आप शेयर करें। इसी तरीके से जो मैंने आपको स्टेप बताया है, चौथा स्टेप कंटेंट अपडेट करने का, चौथा स्टेप जो है ना फिर आपने रिपीट करते रहना है आपने उसको। बस आपने इस फील्ड के अंदर जितना अच्छा कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर होगा उतनी ज्यादा वेबसाइट आपकी ग्रो करेगी। कंटेंट आप वेबसाइट के ऊपर अपडेट करते जाएं, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उस प्रोडक्ट का आप रिव्यू डाल दें, उस प्रोडक्ट के बारे में डाल दें, उस प्रोडक्ट के फंक्शन फीचर्स या आप कंपैरिजन कर दें कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है या ये प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, इस तरीके से कंपैरिजन कर दें। और नीचे आप एफिलिएट का अपना लिंक दे दें, देन यूजर आएगा, यूजर सर्च करते हुए आएगा, इन्फॉर्मेशन यूजर सर्च करते हुए आएगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देन लास्ट में उसको लिंक भी मिल जाएगा, उसको उसके मतलब की इन्फॉर्मेशन मिल गई और देन लास्ट में उसको प्रोडक्ट का लिंक भी मिल गया। जैसे ही वो क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा, अब आपका काम खत्म। अब अगर वो वहां पर जाकर जो भी ट्रांजेक्शन करता है तो कंपनी आपको उसका पे कर देगी। तो ये एक छोटा सा सेक्शन हमने यहाँ पे रखा है, इसमें आपको अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो मैं मजीद 3-4 मिनट तक मैं ऑनलाइन हूँ, आप यहीं पर मुझे कमेंट कर दें, देन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पे अभी फौरन रिप्लाई भी कर दूँ। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। बाद में भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, फेसबुक एड्स से रिलेटेड, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कल या परसों जैसे ही मैं लाइव आऊँ तो फिर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू।